स्टेनेसिस बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ग्लास में नहीं फिनिश कर सकते हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी बेसिक ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो, ब्रॉड टॉपिक हमारा वही है मेगास्पोरोजेनेसिस, बट फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट आर वी गोइंग टू डील विद इन मेगास्पोरोजेनेसिस. सो बेसिकली एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास दैट मेगास्पोरोजेनेसिस इज बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर. What is megaspore? Megaspore is nothing but the egg. We also loosely call the structure that contains the egg as an ovule. जो structure के अंदर egg होता है, egg cell होता है, जो later on fertilize करता है to form the embryo, उस structure को हम बोलते हैं ovule. So megasporogenesis पढ़ने से पहले we need to talk about the ovule in a plant. और यहाँ पर plant से मेरा मतलब है एक angiosperm. Okay, so how do we define an ovule? We loosely define an ovule in an angiosperm as the structure that gives rise to and contains the female reproductive cells. In other words, we simply say it is that structure which contains the cells or the nuclei which participate in the reproduction process. Reproduction ki process mein पार्टिसिपेट करने वाले सेल्स और दूसरे न्यूक्लियाई जिस बॉडी के अंदर कंटेंड होते हैं उस बॉडी को हम बोल देते हैं ये ओव्यूल है. इन जनरल ओव्यूल के तीन पार्ट हैं. सो वी आर गोइंग टू द टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज पार्ट्स ऑफ ओव्यूल. सो ओव्यूल जो है उसमें तीन पार्ट हैं. सबसे पहले पार्ट को हम बोलते हैं इंटेगुमेंट. इंटेगुमेंट का मतलब होता है स्किन या लेयर. सो जो आउटर मोस्ट जो लेयर्स हैं, एक लेयर नहीं होती है, काफ़ी सारे लेयर्स होती हैं, ऑल दोज लेयर्स आर बेसिकली कॉल्ड एज इंटेगुमेंट. ओके, देन उसके बाद जो सेकंड पार्ट हमारा है जो हम पढ़ते हैं वो है न्यूसेलस. स्पेलिंग इज NUCELLUS. सो न्यूसेलस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रेमनेंट ऑफ द मेगास्पोरेंजियम. नाउ व्हाट इज रेमनेंट? रेमनेंट मतलब अवशेष, बचा खुचा, यानी कि मेगास्पोरेंजियम, यानी कि जो मेगास्पोरेंजियम डेवलप करता है उसका जो अवशेष है, जो उसके बचे खुचे पार्ट हैं, उसको हम अक्सर बोलते हैं न्यूसेलस. और जो तीसरा पार्ट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड एज द फीमेल गैमेटोफाइट. फीमेल गैमेटोफाइट इज बेसिकली दैट स्ट्रक्चर विच इज़ द एक्चुअल फंक्शनल हैप्लॉइड मेगास्पोर. हैप्लॉइड इसलिए बोला बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. तो मियोसिस के बाद जो स्पोर हमारा हैप्लॉइड स्टेट में होता है एंड विच एक्ट्स एज द एक्चुअल एग, ओके, दैट वी रेफर टू एज द फीमेल गैमेटोफाइट. ओके, जो सेंटर में आपको मिलेगा ओव्यूल के. द फीमेल गैमेटोफाइट स्पेसिफिकली टर्म्ड एज अ मेगा गैमेटोफाइट, ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट, इज ऑल्सो कॉल्ड द एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो मतलब भ्रूण और सैक मतलब एक थैला, एक 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 एनकम्पासिंग बॉडी, एक ऐसा स्ट्रक्चर विच होल्ड समथिंग. सो सैक बोलते हैं, जैसे हमारा पॉकेट है ये भी एक सैक है. तो एम्ब्रियो सैक एक ऐसा बॉडी, एक ऐसा थैला लाइक बॉडी विच कंटेन्स द फ्यूचर एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक. सो ओव्यूल और द मेगा गैमेटोफाइट इज बेसिकली हैविंग द हैप्लॉइड मेगास्पोर which is going to become the embryo in future is right now called as embryo sac because it is going to hold the embryo. And this mega gametophyte, it produces an egg cell for the purpose of fertilization. So mega sporogenesis mein jaane se pehle humko us compartment, us body, us room, us area ke bare mein baat karna hai, us structure ke bare mein baat karna hai jahan par ye events honge. और उस बॉडी या स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओव्यूल. ओव्यूल में है तीन पार्ट, नंबर वन इंटेगुमेंट, नंबर टू न्यूसेलस एंड नंबर थ्री द गैमेटोफाइट. इन तीनों पार्ट में केवल गैमेटोफाइट ही वो पोर्शन है जहाँ पर मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद जहाँ पर स्पेसिफिक सेल्स बनेंगे या न्यूक्लियस बनेगा जो कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा. ओके, और इस गैमेटोफाइट में ही एक सेल होगा जिसको हम बोलते हैं एग सेल, जो इवेंचुअली फर्टिलाइज करके फ्यूचर का एम्ब्रियो बनाएगा.
क्योंकि ये एरिया या ये स्ट्रक्चर में ही आपको बाद में इसका एम्ब्रियो मिलेगा, इसीलिए इसको एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। दिस इज द बेसिक ऑफ द बेसिक्स ऑफ द मेगास्पोरोजेनेसिस दैट वी आर स्टार्टिंग नाउ टुडे। देन वी कम टू द स्ट्रक्चर, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, द स्लाइड इज हैविंग अ टाइटल पोजिशन ऑफ एन ओव्यूल। तो ये किस्म का आपका रिविजन है कि हम कहाँ पर हैं एक फूल में। आपके सामने फोटो में एक फूल है, एक फ्लावर है। इस फ्लावर में आप देख पा रहे हैं सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, पेटल्स के बाद अंदर उसमें एंथर्स दिख रहे हैं बहुत सारे। अगर आप मेरा माउस कर्सर देखेंगे तो ये जो बहुत सारे स्ट्रक्चर निकले हुए हैं ये बेसिकली इसके एंथर्स हैं। और ये जो वी शेप में दो स्ट्रक्चर निकले हुए हैं ये बेसिकली इज द स्टिग्मा, ओके। और इसके बेस में नीचे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है गोल सा, एंड दिस बेसिकली इज द ओवरी कंटेनिंग द ओव्यूल्स। इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू द एंटायर फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी इज बेसिकली कॉल्ड द कार्पेल। हम क्या बोलते हैं उसको, कार्पेल, मैंने साइड में लिखा हुआ भी है कार्पेल। सो दिस एंटायर बॉडी फ्रॉम द टॉप स्टिग्मा टू द बॉटम वेयर इट इज कंटेनिंग द ओवरी विच हैज़ द ओव्यूल्स इज कॉल्ड एज कार्पेल। ये कार्पेल अक्सर एक ही होती है एक फ्लावर में, बट कहीं कहीं पर द प्लांट मे हैव मोर देन वन कार्पेल, ओके। अगर एक सिंगल कार्पेल है तो हम बोलेंगे मोनो कार्पेलरी, ओके। अगर कार्पेल दो हैं तो बोलेंगे बाई कार्पेलरी, अगर तीन कार्पल्स हैं तो बोलेंगे ट्राई कार्पेलरी। तो बेसिकली एक कार्पेल या दो कार्पेल या तीन कार्पेल होना उस फ्लावर का अपना एक यूनिक फीचर होता है। बट एनी वेज राइट नाउ वी आर सीइंग अ कार्पेल हेयर जहाँ ऊपर स्टिग्मा है। अगर आप मेरा माउस कर्सर देखेंगे ये स्टिग्मा का पोर्शन हो गया, एंड देन गोइंग डाउन इट इज़ कॉल्ड ए स्टाइल। इफ यू रिमेंबर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ओवरी इज बेसिकली दैट पार्ट विच कंटेन्स वट इज कॉल्ड एज ओव्यूल। अभी अभी मैंने बताया आपको ओव्यूल क्या है। ओव्यूल वो स्ट्रक्चर है विच कंटेन्स द थ्री रीजन्स, क्या क्या, इंटेग्यूमेंट्स, न्यूसेलस एंड फीमेल गैमेटोफाइट। सो अगर ये एक ओव्यूल है, आप मेरे कर्सर को फॉलो करिए, ये अगर एक ओव्यूल है तो इस ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट होगा विच विल हैव द एम्ब्रियो सैक। एक और गैमेटोफाइट इसमें होगा, एक और गैमेटोफाइट इसमें होगा। सो बेसिकली यहाँ पर मुझे वेरी क्लियरली तीन ओव्यूल दिखाई देते हैं, ओके। अगर ये बाईकार्पलरी होगा दो कार्पल होंगे, ऑब्वियसली दो ओवरी हो जाएंगे, दो ओवरी में अपने अपने जितने भी ओव्यूल्स हों एज पर द स्पीसीज वो रहेगा। सो पोजिशन ऑफ ओव्यूल यहाँ दिखा रहा है दैट इन अ फ्लावर इट इज हाइपोडर्मल, इट्स वेरी डीप बिलो, ओव्यूल्स आर इनसाइड ओवरी एंड ईच ओव्यूल इज गोइंग टू गिव राइज टू अ फीमेल गैमेटोफाइट। दैट फीमेल गैमेटोफाइट विल हैव इवेंचुअली वन एग विच विल फर्टिलाइज एंड फॉर्म द एम्ब्रियो, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। सो हमने अभी अभी क्या पढ़ा, हमने देखा ओवरी कहाँ है, अब मैं ओवर ओव्यूल के अंदर आ गया, ओके। यहाँ पर आपको दो तरह के ओव्यूल का सेक्शन दिखाया हुआ है, एलएस मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दिखाया हुआ है। सो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, सबसे पहले अभी मैं आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। ओव्यूल कई तरह के होते हैं, एनाट्रोपस भी होते हैं, ऑर्थोट्रोपस होते हैं, यू नो कंपाइलोट्रोपस होते हैं, बहुत टाइप के ओव्यूल स्ट्रक्चर्स होते हैं। बट सबसे कॉमनली हम जो ओव्यूल देखते हैं दैट इज ऑर्थोट्रोपस या एनाट्रोपस। अभी मैं ओव्यूल के टाइप के बारे में बात नहीं करना चाह रहा, और आप भी अभी उसमें मत जाइए कि ओव्यूल के टाइप कितने तरह के होते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है। अभी आप ये समझिए ओव्यूल में कुछ जनरल फीचर्स हैं, कुछ जनरल पार्ट्स हैं दैट वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। तो पहले आप फोकस करेंगे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में हमको कुछ स्पेसिफिक टर्म्स जानने हैं जो हमको पता होने चाहिए। सबसे पहले नीचे शुरू करते हैं, सबसे पहले टर्म होता है उसे बोलते हैं फ्यूनिक्युलस, FUNICULUS, फ्यूनिक्युलस। फ्यूनिक्युलस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टॉक, STALK, स्टॉक बोलते हैं इसको। फ्यूनिक्युलस वो पोर्शन है जिससे
ओव्यूल ओवरी की वॉल से अटैच्ड होता है. सो इट इज़ बेसिकली दैट पोर्शन जहाँ से वो बॉडी से अटैच्ड है. जो ओव्यूल है वो ओवरी की बॉडी से अटैच्ड है, वो वाला पोर्शन को बोलते हैं फिनिकुलस. ओके, नाउ इसके ठीक अपोजिट एक दूसरा एंड है जिसको हम बोलते हैं द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल, जहाँ से बाद में पॉलन अपनी ट्यूब फॉर्म करके ओव्यूल में एंटर करता है टू फर्टिलाइज विद द एग. जो पॉइंट जहाँ से पॉलन ट्यूब बना करके ओव्यूल में एंटर करता है उसको उसका माउथ या ओपनिंग बोलते हैं ओव्यूल का. और इस ओपनिंग का एक नाम है, उसे बोलते हैं माइक्रोपाइल. क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल. तो माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग जहाँ से वो पॉलन या पॉलन ट्यूब के थ्रू स्पर्म जो है वो आपके ओव्यूल में एंटर करेगा, दैट इज माइक्रोपाइल एंड. माइक्रोपाइल एंड, जैसा कि आप मेरे माउस कर्सर को देख सकते हैं, माइक्रोपाइल एंड के ठीक सामने वाला पोर्शन जहाँ पर बहुत सारे सेल दिखते हैं उसको हम बोलते हैं चलाजा. अब आप कहीं चले मत जाइएगा, मैंने चला जाने को नहीं बोला है, इसका नाम चलाजा है. ओके, इसका नाम है चलाजा. ओके, सो चलाजा एंड होता है. तो माइक्रोपाइल के ठीक सामने वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज चलाजा एंड. एंड चलाजा एंड के जस्ट इनसाइड व्हाट वी सी इज बेसिकली द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल विच इज गोइंग टू कंटेन द फीमेल गैमेटोफाइट. नाउ एज आई टोल्ड यू द ओव्यूल इज बेसिकली इनसाइड द ओवरी. सो जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है ओव्यूल के बाहर, कैन यू सी, ये जो ओव्यूल है इसके चारों तरफ एक गैप जैसा है, या एक मोटे मोटे सेल्स, काले काले सेल्स दिखाई दे रहे हैं. बेसिकली ये एक ऐसा लेयर है जिस लेयर में यूजुअली या तो गैप होता है या यहाँ पर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं विच आर बेसिकली क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ कुशन, एक गद्दा या स्पॉन्ज का एक इन्वायरमेंट बनाते हैं सो दैट ओव्यूल इज़ वेरी मच सेफ. ओके, सो ये जो आपका ओव्यूल है, ये ओव्यूल कहाँ है? ये ओवरी के अंदर है. तो जो आउटर मोस्ट लेयर आप यहाँ से पर देख रहे हैं दैट इज़ द ओवरी वॉल. ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे ओवरी वॉल, तो ओवरी वॉल, ये पूरा ओवरी वॉल चल रहा है क्योंकि ओव्यूल कहाँ होते हैं? ओवरी के अंदर. तो ओवरी वॉल ये बाहर दिखाया हुआ है. उसके बाद मैंने बताया ओव्यूल में तीन स्ट्रक्चर है, क्या क्या? इंटेगुमेंट है, न्यूसेलस है और एम्ब्रियो सैक है. तो आउटर मोस्ट जो लेयर है, ये जो लेयर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये बेसिकली क्या है? ये आउटर स्किन है और इसको हम बोलते हैं ये इंटेगुमेंट है. ओके, इंटेगुमेंट के अंदर आता है न्यूसेलस. ये एक ऐसा टिश्यू है जो जिसमें से कि एक सेल जो होता है इट फॉर्म्स द एक्चुअल एम्ब्रियो सैक और द फीमेल गैमेटोफाइट. ओके, तो जो न्यूसेलस है, मेरा माउस कर्सर देखिए, जो न्यूसेलस है इसी में से एक सेल ऐसा होता है विच एक्ट्स एज आर्चिस्पोरियम सेल विच इवेंचुअली बिकम्स द मेगास्पोर मदर सेल विच अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म द फीमेल गैमेटोफाइट. और जो आपका सेंटर में ये जो कैविटी दिख रहा है, जो एक बड़ा सा कैविटी दिख रहा है, दिस कैविटी इज द एम्ब्रियो सैक. दिस इज द पोर्शन विच इज बेसिकली दैट पोर्शन विच हैज द मियोटिक प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्मिंग एंटीपोडल सेल, सिनर्जिट सेल, एग सेल, सेंटर सेल न्यूक्लियाई, जो यहाँ पर उपस्थित होते हैं जहाँ पर जब एक मेल स्पर्म न्यूक्लियाई आएगा, फ्यूज करेगा, तो यहाँ पर एम्ब्रियो बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, एंड दिस विल इवेंचुअली होल्ड द एम्ब्रियो, एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द एम्ब्रियो सैक. सो दिस इज द एक्चुअल फीमेल गैमेटोफाइट. ओके, मैं आपको लेज़र पॉइंटर से दिखा रहा हूँ. कैन यू ऑल सी माय लेज़र पॉइंटर? कैन समबडी टेल मी, आपको लेज़र पॉइंटर दिख रहा है क्या रेड कलर में? कोई बता पाएगा मुझे? आई कैन नॉट सी योर चैट. अभी मैं फुल स्क्रीन मोड में हूँ, आई कैन नॉट सी योर चैट. कोई मुझे अपना ऑडियो ऑन करके बताओ, आपको लाल लाल सा दिख रहा है लेज़र पॉइंटर? यस सर. ओके, सो जो लेज़र पॉइंटर से देखिए, ये जो एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है, जो एक आपको वैक्यूम या एक गैप, वाइट सा एक गैप दिखाई दे रहा है, दिस इज बेसिकली द एम्ब्रियो सैक. मैंने बताया सैक मतलब जैसे पॉकेट,
या थैला. तो दिस इज द पोर्शन विच कंटेन्स द फ्यूचर एम्ब्रियो, राइट नाउ कंटेन्स द एक्सेल एंड द अदर सेल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस. तो ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, और ओव्यूल कौन सा है इसमें से, केवल इतना पोर्शन ओव्यूल है. कैन यू सी, इतना पोर्शन ओव्यूल है, बाकी पूरा ओवरी है. क्योंकि ये कह भी रहा है यहाँ पे LS ओवरी, ये ओवरी का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, एक जिसमें वो एक ओव्यूल दिखा रहा है. ओव्यूल का नाम है ऑर्थ्रोट्रोपस ओव्यूल. ओव्यूल कैसे है, ऑर्थ्रोपस. इसे ऐसे क्यों बोलते हैं बाद में बताऊंगा, अभी आप बस ये फोकस करिए कि ओव्यूल है. अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है वो ये कि इसमें फीमेल गैमेटोफाइट कौन सा है. ना तो, प्लीज़ ध्यान सुनना, ना तो ये आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर फीमेल गैमेटोफाइट है. जबकि याद रखिए, मैं अभी ओवरी के अंदर हूँ, तो ओवरी के अंदर होने की वजह से मैं कार्पल के अंदर हूँ. कार्पल इज़ दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऑल्सो नोन एज गाइनेशियम. लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ पर है, ध्यान दो, ये फीमेल गैमेटोफाइट नहीं कहलाया जाएगा. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है लेकिन गैमेटोफाइट नहीं है, ये स्पोरोफाइट है. ये गैमेटोफाइट नहीं है, स्पोरोफाइट है. मतलब ये एन नहीं है, जो मेरा पॉइंटर जहाँ पर है, दैट इज़ नॉट एन, इट इज़ टू एन. ये स्पोरोफाइटिक टिश्यू है पूरा. फिर आ जाता हूँ माइक्रोपाइल में. माइक्रोपाइल ये गैमेटोफाइट है कि स्पोरोफाइट है, ये भी स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है, यानी कि टू एन है, डिप्लॉइड सेल है. नीचे आ जाओ, यहाँ जो स्टॉक है जिसको मैं फ्यूनिक्रस बोलता हूँ, दैट इज ऑल्सो स्पोरोफिटिक. ऊपर आ जाओ, चला जा भी स्पोरोफिटिक है, टू एन है. ओवरी वॉल, ये भी स्पोरोफिटिक है, टू एन है. इंटेग्यूमेंट्स, ये भी स्पोरोफिटिक है, ये भी स्पोरोफिटिक है, यानी कि टू एन है इसका कंटेंट. फिर न्यूसिलस, न्यूसिलस भी आपका टू एन है, इट इज ऑल्सो डिप्लॉइड. देन कम्स एम्ब्रियोसैक. एम्ब्रियोसैक इज द ओनली स्ट्रक्चर इन द एंटायर कार्पल विच इज नॉट स्पोरोफिटिक and which is gametophytic tissue which is containing cells or the nuclei which are having N, and that is why केवल इतना portion ही female gametophyte कहलाता है. इसी portion में megasporogenesis होता है, इसी portion में megaspore बनता है, इसी portion में बाकी जो haploid nuclei हैं, चाहे वो cell बनाए या ना बनाए, वो इसी portion में होते हैं. केवल यही पोर्शन है जो फीमेल गैमेटोफाइट है, बाकी पूरा ओवरी एंड द ओव्यूल इज स्पोरोफाइट. अगर आप एक मिनट के लिए, अगर आप पिछली क्लास याद करो, ये वाला अगर आपको फीचर याद हो, यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, एक लाइन है यहाँ पर, डॉटेड लाइन है यहाँ पर, और उस लाइन में इस तरफ ये पूरा स्पोरोफाइट है और ये पूरा गैमेटोफाइट है. गैमेटोफाइट वो होता है जहाँ पर मियोसिस होने के बाद जो मियोटिक प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मेल के हों चाहे वो फीमेल के हों, वो रहते हैं. और जब उनका फ्यूजन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद वो जाइगोट बनते हैं, लेकिन वो जाइगोट जो होता है वो स्पोरोफाइट हो जाता है. तो गैमेटोफाइट स्टेज जो है, वो गैमेटोफाइट स्टेज मेरी केवल यहाँ पर है, बाकी कुछ भी फीमेल गैमेटोफाइट नहीं है. ओके, सो ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट दिमाग में रखना है. ओवरी स्पोरोफिटिक टिश्यू होता है, ओव्यूल में भी माइक्रोपाइल हो गया, न्यूसेलस हो गया, इंटेग्यूमेंट हो गया, ओवरी वॉल हो गया, चलेजा हो गया, फिनिकुलस हो गया, ये सब स्ट्रक्चर स्पोरोफिटिक टिश्यू के ही पार्ट हैं. केवल न्यूसेलस का एक सेल, जिसको हम बोलते हैं आर्ची स्पोरियल सेल या आर्ची स्पोरियम, वही सेल बाद में मेगास्पोर मदर सेल बन करके मियोसिस में जाता है. मियोसिस में जाने के बाद उसका एक मेगास्पोर बनता है, वो मेगास्पोर ही बाद में फर्दर डिवाइड करके एम्ब्रियोसैक बनाता है, और वो एम्ब्रियोसैक ही, केवल वही एक एम्ब्रियोसैक फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है, बाकी सब स्पोरोफिटिक टिश्यू है. यस, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आता है. यस, वो कार्पल के अंडर आता है. यस, उसे हम गाइनेशियम बोलेंगे. यस, वो ओव्यूल के अंदर है. हाँ, वो ओवरी का पार्ट है, बट स्पोरोफिटिक है, गैमेटोफिटिक नथिंग. अब एक और हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, एक और आपको ओव्यूल मैं दिखा रहा हूँ बाजू में, उसमें नीचे लिखा हुआ है LS एनाट्रोपस ओव्यूल. अभी आप इसमें मत जाओ कि ऑर्थोट्रोपस क्या है, एनाट्रोपस क्या है, वो बात की बातें हैं.
अभी फिलहाल एक ओव्यूल का एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पर क्या हुआ है कि वो ओव्यूल जो है नेचुरली थोड़ा घुमा हुआ है, सीधा नहीं है, और क्या हो रहा है कि जो स्टॉक है, दिस इज द स्टॉक, एंड एज आई टोल्ड यू स्टॉक को हम बोलते हैं फ्यूनिकुलस। तो जो स्टॉक है आपका जिसको मैं फ्यूनिकुलस बोलता हूँ, इस फ्यूनिकुलस के पास ओव्यूल घूम के आया हुआ है, तो जो माइक्रोपाइल है वो फ्यूनिकुलस के जस्ट पास में आ गया। यहाँ पर क्या था, फ्यूनिकुलस यहाँ था और माइक्रोपाइल यहाँ था, दूर था। यहाँ पर क्या हुआ है, फ्यूनिकुलस के पास माइक्रोपाइल आ गया, क्योंकि ये जो ओव्यूल है एक इस तरह का ओव्यूल है जो आगे से हॉकी की स्टिक की तरह से घूमा हुआ है। घूमने की वजह से माइक्रोपाइल जो कि ओव्यूल का ओपनिंग होता है जहाँ से पॉलन ट्यूब अंदर घुसती है, उस ओव्यूल का जो माउथ यानी कि जो ओपनिंग है माइक्रोपाइल है, वो फ्यूनिकुलस पास आया हुआ है, और ये एक ओव्यूल का टाइप है जिसको हम बोलते हैं एनाट्रोपस। बट अभी आप इधर फोकस करिए, इसका फ्यूनिकुलस है, उसके बाद आगे चलेंगे, आगे चल करके ये पूरा आपका ओव्यूल का वॉल्स आ जाते हैं, इंटेग्यूमेंट है पूरा, और यहाँ पर इस एंड पर चलाजा बोलते हैं। चलाजा इज ऑलवेज अगेंस्ट माइक्रोपाइल। अगर यहाँ पर माइक्रोपाइल है तो इसके ठीक सामने विपरीत दिशा में जो जो सेलुलर बॉडी होगा उसको बोलेंगे चलाजल एंड, चलाजा। उसके बाद जो इंटीरियर लेयर्स होते हैं, दैट इज बेसिकली द न्यूसेलस, जो अंदर का पोर्शन होता है, और न्यूसेलस के ही पोर्शन में कोई एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं आर्चिस्पोरियम, विच इवेंचुअली अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक। ये जो आपको ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंट बॉडी दिख रही है, दिस इज द एम्ब्रियो सैक विच कंटेन्स द एग विच इज गोइंग टू बिकम द एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, सो दिस इज बेसिकली अनदर एग्जाम्पल ऑफ एन ओव्यूल विच इज कॉल्ड एनाट्रोपस, जहाँ पर कि माइक्रोपाइल नीचे है और उसके ठीक सामने चलाजा है, चलाजा के अंदर न्यूक्लियस न्यूसेलस है, और न्यूसेलस के चारों तरफ उसकी इंटेग्यूमेंट है। ये पूरा आपका स्ट्रक्चर इंटेग्यूमेंट है उसका, जो स्किन है आपके ओव्यूल का, और ये पूरा ओव्यूल अपने ओवरी से जुड़ा हुआ है थ्रू अ स्टॉक।